लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का सोमवार को ऐलान हो गया और सीट नहीं मिलने से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। वो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। पशुपति पारस ने कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें वो आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे आज। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सोमवार को एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ, जिसमें बीजेपी 17 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जबकि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में गई है। वहीं इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। एनडीए में सीट न मिलने से पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए में सीट न मिलता देख पशुपति पारस ने पहले ही बगावती तेवर दिखा दिए थे। हाल ही में पशुपति पारस ने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा था, मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, हम 2014 से बहुत ईमानदारी से एनडीए का साथ देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। उन्होंने बीजेपी से लिस्ट पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे सामने विकल्प खुला था। पशुपति पारस ने कहा था, मैं बीजेपी की लिस्ट के बाद फैसला लूंगा। पशुपति पारस जो कि बिहार की हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, अब सूत्रों के मुताबिक उन्हें राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया था, हालांकि वो इस पर राजी नहीं है। उधर सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सीट रही है। अभी इस सीट से उनके भाई पशुपति पारस सांसद हैं। दिवंगत रामविलास पासवान वैसे तो 1969 में राजनीति में आ गए थे, लेकिन पूरे देश ने उनका नाम 1977 में तब सुना जब उन्होंने यहां रिकॉर्ड बना दिया। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी और ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया। इसके बाद हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा बन गया। 1984 और 2009 का चुनाव छोड़कर वो बाकी सभी चुनावों में यहां से जीते। वो यहां से 9 बार सांसद रहे। आखिरी बार रामविलास पासवान ने 2014 में यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद वो राज्यसभा में चले गए। 2019 में उनके छोटे भाई पशुपति पारस यहां से सांसद बने। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 9 बार सांसद रहे हैं। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी है, लेकिन अब जब रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी हाजीपुर सीट पर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग ने दावा ठोक दिया। पशुपति पारस यहां से मौजूदा सांसद हैं, जबकि चिराग अभी जमुई सीट से सांसद हैं। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही ये दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चूंकि ये साफ हो गया है कि पशुपति पारस को एनडीए ने ये सीट नहीं दी है, तो ये माना जा रहा है कि वो जल्द ही केंद्रीय मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। अभी विश्वास, मैं आंकड़ों पर जाऊंगा और ये आंकड़े मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं। पिछली बार 2019 में हम तीन दल थे, जनता दल यूनाइटेड थी, भारतीय जनता पार्टी थी और हम लोग थे उस वक्त। पर इस बार हमारे गठबंधन में दो और मजबूत सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों। इन दो और साथियों के आने से हमारी ताकत 2019 से बढ़ी ही है। और 2019 में जो एक सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज की, मैं मानता हूं इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये हमारे गठबंधन की ताकत मेरे विश्वास को बढ़ाती है। मैं बस उनसे उन राज्यों के परिणामों के बारे में जानना चाहूंगा जहां पर उनकी जीत हो जाती है। ये ईवीएम कर्नाटका में कहां चला जाता है, ये ईवीएम हिमाचल में कहां चला जाता है, ये ईवीएम हर उस राज्य में कहां चला जाता है जिन राज्यों में ये लोग जीत हासिल करके इसी तरीके से मिठाई और गुलाल ये लोग लगाते हैं। तो एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती ना। जिन राज्यों में आपके लिए परिणाम है उस राज्यों में ईवीएम सही है, जहां आपके विरोध परिणाम है। लेट्स फेस द एलिफेंट इन द रूम, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। हकीकत है
कि देश की जनता आपको बार बार नकार रही है, देश की जनता बार बार मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री पर विश्वास रख रही है। और यही कारण है 14 से बड़ी जीत 19 में हम लोग को मिली और अब 19 से बहुत बड़ी जीत 2024 में हम लोग को मिलेगी। 400 सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, ये वादा देश की जनता ही हमसे कर रही है।